अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग डिशेस विद अंजुम। आज हम 6 इजी और क्विक इवनिंग स्नैक्स बना रहे हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको हमारी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसके लिए हमें चाहिए एक पैकेट, हमने वाइट हक्का नूडल्स लिए हैं। पानी में 1 टेबल स्पून तेल और 1 TSP नमक डाल के इसे उबलने के लिए रख देना है। पानी उबलने लगेगा तब हम इसके नूडल्स डालेंगे। इसे हमें ओवर कुक नहीं करना है, इसे सिर्फ हम 80% तक पकाएंगे। नूडल्स 80% पकने के बाद इसे हम ठंडे पानी में डालेंगे। इसे हम हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे, लाइट गोल्डन होने तक इसे फ्राई करना है। ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, आपको उसका ध्यान देना है। नूडल्स लाइट गोल्डन हो गए हैं, इसे हम निकाल देंगे किचन टेबल पर। क्रिस्पी फ्राइड नूडल्स तैयार है। चाइनीज भेल के लिए हमने 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप लिया है, 2 टेबलस्पून सेजवान सॉस लेंगे, 1 गाजर लिया है इसे स्लाइस कर लिया है, स्प्रिंग ऑनियन लेना है, आधा हमने कैबेज लेके इसे बारीक स्लाइस कर लेना है। बाउल में नूडल डालेंगे, इसे क्रश कर ले, इसमें गाजर डालना है, कैबेज डालेंगे, सेजवान सॉस, टोमेटो केचप, अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें। स्प्रिंग ऑनियन डालेंगे, इसे मिक्स कर लें। पेपर प्लेट्स में इसे सर्व कर लेंगे और स्ट्रीट स्टाइल चाइनीज भेल तैयार है। आप इसे गार्निश कर सकते हैं। कोथमीर लेना है हमें, पुदीना लेना है, 2 ब्रेड स्लाइसेस लेंगे, 5 हरी मिर्च लेंगे, प्लेन चीज स्लाइसेस लेना है, चॉकलेट चीज स्लाइस लेंगे, बटर, सेजवान सॉस लेंगे, ब्रेड स्लाइसेस लेंगे, 2 टेबलस्पून दही लिया है हमने। पहले हम ब्लेंडर जार में कोथमीर और पुदीना डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, ब्रेड स्लाइसेस को डालेंगे। ब्रेड स्लाइसेस डालने से बहुत अच्छी चटनी में थिकनेस आती है, वाटरी नहीं रहेगी चटनी। इसे ब्लेंड कर लेंगे, दही डाल के हमें ब्लेंड कर लेना है, फाइन पेस्ट बना लेंगे। नमक डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और हमारी ग्रीन चटनी तैयार है। ब्रेड के ऊपर बटर लगाएंगे, ग्रीन चटनी लगाएंगे और इवनली इसे स्प्रेड कर लेना है। इसके ऊपर हम ये चीज स्लाइस रखेंगे। दूसरा ब्रेड लिया हमने, इसके ऊपर बटर लगा के ग्रीन चटनी लगा लिया था और चीज स्लाइस के ऊपर ये ब्रेड रखेंगे और ग्रीन सैंडविच हमारा, ग्रीन चीज स्लाइस सैंडविच तैयार है। अब हम दूसरे ब्रेड के ऊपर बटर लगाएंगे, सेजवान चटनी लगाना है इसके ऊपर, इवनली इसे स्प्रेड कर लेंगे। चीज स्लाइस लेंगे, प्लेन चीज स्लाइस लेके इसके ऊपर रख लेना है। दूसरे ब्रेड के ऊपर भी हमने फिर से बटर लगा लिया था, सेजवान चटनी लगा लेंगे और इसके ऊपर रख लेंगे। अब हम चॉकलेट सैंडविच बनाएंगे, ब्रेड के ऊपर बटर लगाएंगे, चॉकलेट चीज स्लाइस रखेंगे, ब्रेड के ऊपर बटर लगाएंगे और इसके ऊपर रखकर हम ये सैंडविच बना लेंगे। नॉनस्टिक पैन लेना है हमें, इसके ऊपर बटर रखेंगे थोड़ा सा, पूरे सैंडविच, तीनों सैंडविचेस को रख ले इसके ऊपर और लो फ्लेम पे हमें इसे कवर करके कुक करना है। 5 मिनट के बाद आप इसे फ्लिप कर लेंगे। फिर से हम इसे कवर करेंगे,
इसे दोनों तरफ जब तक ये क्रिस्प गोल्डन ब्राउन ना हो जाए हम तक हम इसे लो फ्लेम पे पका लेंगे। 5 मिनट के बाद ये सैंडविचेस तैयार है। आप इसे किचन टावल पे निकालेंगे। अब हम इसे कट करके बताते हैं। ये ग्रीन चटनी चीज सैंडविच तैयार है, चॉकलेट चीज सैंडविच। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप हमने काबुली चना लिया है, इसे हमने ओवरनाइट सोक करके रख लिया था। 1 गार्लिक पाउडर लेना है, 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस लेंगे, 2 टेबलस्पून सेजवान सॉस, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर रेड चिली पाउडर लेंगे 1 TSP, 2 टेबलस्पून चावल का आटा लेना है, रेड और ऑरेंज फूड कलर लेंगे। काबुली चने को हमने जो सोक करके रखा था इसे हम कुकर में डालेंगे, इसमें पानी डालेंगे, नमक डालना है। अब हम इसे प्रेशर कुक करेंगे, इसका 3 विजिल लेना है हमें। 3 विजिल लेने के बाद में अब इसका ढक्कन खोलेंगे और इसे छान लेना है हमें। एक्सेस पानी इसका निकाल के इसे कम्प्लीटली ठंडा होने के लिए रख देना है। इसका ठंडा होना बहुत ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठंडा होने के बाद में चने के अंदर हम ड्राई स्पाइसेस डालेंगे, सेजवान सॉस और रेड चिली सॉस डालना है। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें। अब ये चना फ्राई करने के लिए रेडी है। हमें एक लहसुन की कली लेना है और इसे बीच में से इस तरह से स्लिट कर लेना है। पहले हम लहसुन को तेल में गरम कर फ्राई कर लेना है, इससे बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आ जाएगा तेल में। लाइट गोल्डन ब्राउन होने के बाद इसे निकाल लेंगे हम। अब चने को फ्राई करेंगे, एक एक करके आपको चना डालना है, पूरा एक साथ में पूरा होल बैच नहीं डालेंगे और स्मॉल बैचेस में आप इसे फ्राई करेंगे, आपको उसका ध्यान देना है। कंटिन्यूसली चम्मच चलाते रहेंगे चना डालने के बाद में। एक एक करके डालने से ये चना एक दूसरे से चिपकेगा नहीं, तो आपको उसका ध्यान देना है। जब ये क्रिस्प हो जाएगा तब हम इसे निकालेंगे। देखिए कितना क्रिस्प हो गया है। अब हम इसे किचन टावल पे निकालेंगे और ढाकना चाहिए। ब्रेड स्लाइसेस लेंगे, बटर लेना है हमें, रूम टेम्परेचर पे बटर लेंगे। ग्रेटेड चेडर चीज लिया है, 4 लहसुन की कलियां लिया है, इसे हमने फाइनली चॉप कर लिया है। कोथमीर को भी हम फाइनली चॉप कर लेंगे। आप फ्रेश गार्लिक के बदले में गार्लिक का पाउडर भी यूज कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स लेंगे और ओरिगेनो लिया है हमने 1/2 टीस्पून।
पहले हम बटर में फाइनली चॉप गार्लिक डालेंगे, कोथमीर डालेंगे, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब ये गार्लिक बटर तैयार हो गया है, हम इसे ब्रेड पे लगा लेंगे। अच्छी तरह से इवनली स्प्रेड कर ले इसे। इसी तरह से हम पूरे ब्रेड पे बटर, गार्लिक बटर लगा लेंगे। बाउल में चेडर चीज डालेंगे, चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये चीज मिक्सचर को हम ब्रेड पे लगा लेंगे ऊपर से। अच्छी तरह से ब्रेड के ऊपर चीज को लगा लेना है। पैन में थोड़ा सा बटर डालेंगे, नॉनस्टिक पैन लेना है आपको। अब ब्रेड स्लाइसेस हम इसके ऊपर रख के इसे टोस्ट कर लेंगे। लो फ्लेम पे हमें ब्रेड को टोस्ट करना है। इसे कवर कर लेंगे और 3 से 4 मिनट हमें लो फ्लेम पे इसे टोस्ट कर लेंगे, जब तक ये क्रिस्प ना हो।